शुरू शुरू। और मैं कहना चाहता हूं कि लोकदल का जो आदमी कभी कभी ज्यादा प्यार करता है, मैं अपने कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब वो भावना सर पे आ जाती है तो मानता नहीं किसी, लेकिन ये गांव में बाहरी लोग मिले, वो चाहते थे कि ट्रैक्टर पे लेके चला जाए, पूरा जुलूस निकालते हुए गांव से निकल के आए। मैंने समझाया कि अभी कई गांव रहते हैं, चुनाव का वक्त है, मान जाओ, मेरी एक कहने पे मान गए, तो बहुत ही बढ़िया है। मैं आपका नमन करता हूं, मुझे आपका रिकॉर्ड में मालूम है, हर चुनाव में आपने लोकदल के का साथ दिया, हिम्मत बढ़ाने का काम किया। मैं यही चाहता हूं कि उस श्रृंखला को आप आगे बढ़ाओ, और कुछ मौके होते हैं जो पीछे जो कुछ भी हुआ, चौधरी साहब ने एक उपाय बना के आपके आगे पेश कर दिया, बात इतनी रह रही कि उस उपाय को आप अपना मान लो और जीत आपकी होगी, संदेश दूर तक जाएगा। जिन लोगों को जमीन का पता नहीं, मालूम नहीं, जिनको किसान की भावना के बारे में कुछ मालूम नहीं, जब दिल्ली में वो जो विश्लेषण करते हैं, वो सिर्फ एक लाइन लिखते हैं आपके बारे में कि ये दंगा प्रभावित क्षेत्र है, उसके मायने अलग अलग है। एक तो और ही बदनामी, हम दंगा प्रभावित क्षेत्र है, दंगा हुआ एक बार, हम झगड़ा करने वाले लोग नहीं, आपस में प्यार में रहते आए, हमारे रिश्ते जो पुराने थे वो हमारी पहचान थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। और दूसरा उसका पहलू ये है कि मैं दुनिया को ये बताता है कि यहाँ कोई पते की बात करने की जरूरत नहीं, किसान की बात करने की जरूरत नहीं, यहाँ के आदमी का काम करने की जरूरत नहीं, बस चुनाव आएगा तो उनको भिड़ा देना आगे, या तो झगड़ा करना चाहते हैं। ये जो मानसिकता है या ये जो दुष्प्रचार हो रहा है इस क्षेत्र के बारे में, हमारे अपने लोगों के बारे में, इसे बदलने का एक सुनहरा अवसर चौधरी साहब ने पेश किया। और सेनापति जब उसके उसे विश्वास हो कि सेना मेरे पीछे खड़ी है, मेरे साथ चलने को तैयार है, मेरे हर फैसले को लागू करने के लिए जी जान से तैयार है, तब वह सेनापति बहुत साहसी कदम लेता है और फैसले ले पाता है। और अगर आदमी खुद पीछे मुड़ मुड़ के देखने को मजबूर हो जाए कि पब्लिक मेरे साथ है कि नहीं, वो अगर शंका उसके मन में बन जाएगी तो वो कभी नेतृत्व करने लायक नहीं है। तो अपने नेताओं को मजबूत बनाइए, जो किसान नेता कहलाते हैं या किसानों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनकी पीठ थपथपाइए, उनको हिम्मत देने का काम कीजिए, ये पब्लिक का काम होता है। ये इस चुनाव का बस एक ही मकसद बना लो, और तो कुछ ज्यादा होना नहीं, कोई सरकार बदलनी नहीं, 312 विधायक लखनऊ में बैठे हैं, 282 अभी एमपी आपने चुने थे, उसमें से कुछ घटते घटते 273 रह गए, अब 8-9 महीने की और बात है, 8-9 महीने बाद फिर जो है चेंज कर लेना जो आपका मूड होगा। ये जो चुनाव है, आप देश को ये दिखा दो कि ऐसा नहीं है, लोकदल कमजोर नहीं है, किसान कमजोर नहीं है, और किसान आज भी चौधरी चरण सिंह जी को मानता है, उनके कहे पे चलता है। और खुशी की बात यह है, मैं आखिर में कहूं कि देखो मंच की तरफ देखो, चौधरी साहब चाहते हैं गठजोड़ बने, पुराने जितने लोग थे वो साथ चले, और एक ही मान में कितनी तलवार आ गई, सारी आगे बचा क्या। अभी मैं जब गांव से निकल रहा था, बिजेंद्र जी हैं, वो कह रहे थे चुनाव में, पिछले चुनाव में भी बहुत वोट मिली और अब तो बढ़ी जाएंगी कि नहीं बढ़ेंगी। बस धन्यवाद।